एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, जैसा कि जेएनयू का ई प्रोस्पेक्ट लॉन्च हो चुका है, तो अगर हम बात करें जेएनयू के एडमिशन के दौरान मिलने वाले एक्स्ट्रा मार्क्स की, क्योंकि मैंने कई सालों में देखा है कि जेएनयू के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिलते हैं उनका नॉलेज ना होने की वजह से वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं कई बार वो सिलेक्शन से भी वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि जेएनयू में एक्स्ट्रा मार्क्स किस बेस पे मिलते हैं, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कब अप्लाई कर पाएंगे उसके लिए, कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स कितने होते हैं, बॉयज के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स कितने होते हैं और किन को वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खासकर हम बात करें अगर एक्स्ट्रा मार्क्स को लेके, तो एक्स्ट्रा मार्क्स में सबसे पहले हमारे पास आता है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट। क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट जेएनयू ने, अगर जेएनयू का हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, तो जेएनयू का एस्टैब्लिशमेंट जो किया गया था वो इस बेस पे किया गया था कि जेएनयू के अंदर दूर दराज के गांवों से आके बच्चे दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह के पढ़ सकें, और यही कारण है कि जेएनयू आज भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट को अपना रहा है। और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको शामिल किया जाता है इसमें। क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें, तो जो स्टूडेंट यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इट मीन्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन बीए, सो उनको मिलता है टोटल 6 मार्क्स। 6 मार्क्स मिलने का पीछे अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, क्योंकि 6 मार्क्स किनको मिलेंगे? 6 मार्क्स ये मिलते हैं उन स्टूडेंट को जिनका 10th या 12th दोनों में से कोई भी एक क्लास अगर क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से है तो उसको ये पूरे 6 मार्क्स मिलते हैं। लड़का हो या लड़की उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को मिलते हैं ये मैं बात कर रहा हूँ बीए की। बीए में टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे क्वार्टाइल 1 से। लेकिन अगर आप पीजी में अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमए एमएससी जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे भी 6 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन वहां का सीन थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि यहाँ पे 3+3 वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाता है। 3+3 का फॉर्मूला क्या है उसे समझ लीजिए। 3+3 का फॉर्मूला ये है कि 10th और 12th अगर आपने किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है तो उसके मिलेंगे आपको 3 मार्क्स, और बीए भी अगर आपने ग्रेजुएशन आपने अपना किसी क्वार्टाइल 1 से किया हुआ है तो उसके भी 3 मार्क्स मिलेंगे, तब आपको मिलते हैं टोटल 6 मार्क्स। अगर आपका 10th और 12th केवल क्वार्टाइल 1 से है तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे, या आपका बैचलर जो है वो किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से ओनली 10th और 12th नहीं है तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे, आप पूरे 6 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वार्टाइल 2। अब डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में बांटा, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 1 जेएनयू के अकॉर्डिंग थोड़े ज्यादा पिछड़े हुए हैं और क्वार्टाइल 2 थोड़े कम पिछड़े हुए जिले हैं। अब क्वार्टाइल 2 में क्या होता है, जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। क्वार्टाइल 2 में यूजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन यू गेट 4 मार्क्स एक्स्ट्रा। ओके, सेम वही है, योर 10th और 12th कंप्लीट होना चाहिए क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से, दोनों में से कोई भी एक क्लास इन दोनों डिस्ट्रिक्ट जो 10th और 12th है इनमें से कोई भी एक क्लास क्वार्टाइल 2 से कंप्लीट होगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई ऐसा यूजी पीजी वाला फॉर्मूला नहीं है कि 2+2 रहेगा। अब हम आते हैं पीजी को लेंगे, तो पीजी है तो पीजी में वही 2+2 का फॉर्मूला है जैसा कि हमने देखा ऊपर क्वार्टाइल 1 में 3+3 का फॉर्मूला था। यहाँ पे आपका 10th और 12th अगर क्वार्टाइल 2 से है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका यूजी आपका ग्रेजुएशन किसी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हुआ है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल मिलते हैं 2+2 करके 4 मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक है तो केवल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है गर्ल्स को लेके। जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जब काफी पहले से गर्ल्स को खासकर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाने पे काम किया जा रहा है। यही कारण है कि जेएनयू गर्ल्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देके किसी भी तरह वो कोशिश करते हैं कि गर्ल्स जो है वो जेएनयू में एडमिशन ले पाए। और मैं कहूँ कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि जेएनयू जैसा संस्थान उन्हें इस चीज में एक वुमेन एम्पावरमेंट का अगर हम पार्ट कहें तो वो कहीं ना कहीं जेएनयू बहुत पहले से उसे निभा रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर गर्ल्स एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, अदरवाइज जो फिजिकल हैंडीकैप अर्थात दिव्यांग हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, या क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 से अगर वो आते हैं तो उन्हें मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलते हैं आपको क्वार्टाइल होने के, या फिर आप इधर एससी एसटी ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, क्लियर है। दूसरा जो है वो आपका उन गर्ल्स को लेके है जो अनरिजर्व कैटेगरी की है और उनके पास कोई भी क्वार्टाइल नहीं है, ना तो क्वार्टाइल 1 में आती हैं वो, ना क्वार्टाइल 2 में आती हैं, उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अब सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी लड़की जेएनयू जो अप्लाई करती है उसे मिनिमम 5 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, ये कंफर्म है। बॉयज के साथ ऐसा नहीं है, बॉयज को क्या होता है कि जेएनयू के अंदर आपको क्वार्टाइल में अगर आप आते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाले। लेकिन गर्ल्स
जो भी फॉर्म अप्लाई करती हैं उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते ही मिलते हैं। अगर वो क्वार्टाइल से बनाती हैं तो ये टोटल जो है ये पहुंच जाता है जाके आपका मैक्सिमम 12 नंबर। जेएनयू आपको गर्ल्स को मैक्सिमम 12 नंबर देता है, और पिछले साल भी जो स्टूडेंट्स थे उनको भी 12 मार्क्स मिले हैं, जो गर्ल्स थे उनको खासकर। और कहीं ना कहीं 12 मार्क्स तो बहुत बड़ा हेल्प करते हैं आपको एडमिशन लेने में। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स स्पेशली, बिकॉज दे हैव 12 एक्स्ट्रा मार्क्स। आप कुछ भी नहीं करके आ रहे हो तो भी आपके खाते में 12 मार्क्स लिखे हुए हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं जो गर्ल्स अप्लाई करें उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जेएनयू में आना। दूसरी अगर मैं बात करूं P1 कैटेगरी से जो स्टूडेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के मन में, एक सवाल चलता रहता है सर P1 कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं और P2 कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं। तो P1 कैटेगरी में आपको समझाता हूँ क्या होता है। P1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनका ग्रेजुएशन जो 12th है वो अगर इस साल हुआ हो, जैसे 2021 के पास आउट है आप, या फिर 2020 के पास आउट है, एक साल से ज्यादा अगर आपका गैप नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, यू कंसिडर इन P1 कैटेगरी एंड यू हैव 80% ऑफ ऑल सीट्स। ओके, आप कोरियन में अप्लाई करिए, आप मास्टर्स में जा रहे, जहां में जा रहे, आपका गैप देखा जाता है, गैप कितना है, एक साल से ज्यादा है, P2 में चले जाएंगे। P2 में जाते आपके पास बचती है केवल 20% सीट्स। अगर आप P1 कैटेगरी में है आपके पास 80% सीट्स हैं, और P1 कैटेगरी में आप तभी कंसीडर होंगे जब आपका गैप एक साल से ज्यादा का नहीं होगा। अगर आप अपनी क्लास जो लास्ट क्लास है वो आपने एक साल पहले 20 में की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 19 में की है तो आप चले जाते हैं सीधा P2 कैटेगरी में, अर्थात Priority 2 कैटेगरी में। तो Priority 1 और Priority 2 कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ Priority 1 में फ्रेशर्स और जिनका एक साल से ज्यादा गैप नहीं है उनको काउंट किया जाता है, लेकिन अगर आपका एक साल से ज्यादा गैप है तो आप काउंट किए जाएंगे Priority 2 में। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ताकि आप अपने एप्लीकेशन को भरते वक्त इस चीज को लेकर ध्यान में रहें कि आप क्वार्टाइल में आते हैं कि नहीं आते हैं। क्वार्टाइल का लिस्ट अवेलेबल होगा, आप एग्जामर्ट ऑफिशियल जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करिए, उसमें हम आपको जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है उनका लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहां से जान पाएंगे कि आपने जहां से आपका 12th किया था या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन किया था वो डिस्ट्रिक्ट Quartile 1 में है, Quartile 2 में, या किसी में नहीं है। इसका होता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको यस करना होता है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल, डिस्ट्रिक्ट जहां से आपने 12th किया कोई भी पढ़ाई जो किया है वो क्वार्टाइल में आते हैं, तो आप उस पर अगर यस करते हैं तो आपको ये मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपने नो कर दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड गाइज क्लासेज आर गोइंग ऑन एग्जाम बट लाइव क्लासेज आर गोइंग ऑन, सो यू कैन ज्वाइन। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।